सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रेड बटन दबाकर और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हमनदीप सिंह और एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। और पिछली बार की वीडियो की तरह आज भी मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक और प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को रियलटेक के AC97 के जो ड्राइवर होते हैं, या रियलटेक के 662 और 880 के जो ड्राइवर होते हैं साउंड के, जो 945 मदरबोर्ड में होते हैं, वो ड्राइवर विंडो 10 में इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा एडवांस तरीके से चल रहे हैं। हमने सोचा भी विंडो लेटेस्ट होगी तो हम लेटेस्ट तरीके से ही इंस्टॉलेशन करें। बहुत सारे लोग ड्राइवर सॉल्यूशन पैक का यूज़ करते हैं इस साउंड के ड्राइवर को इंस्टॉल करने में, और कई बार नहीं भी होता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज ऐसी एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो उसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, मैनेज में जाएं। आप सोच रहे होंगे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो साउंड के बिना ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैंने एक USB डिवाइस लगा रखा है जिसके जरिए इसके अंदर साउंड आती हैं। ये आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, लिखा है स्पीकर USB PNP साउंड डिवाइस। तो मैं आपको कंट्रोल पैनल में भी एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल पैनल में आपको दिखाता हूँ, साउंड के ऑप्शन में जाके, ये रहा साउंड का ऑप्शन। तो यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ USB के ड्राइवर दिखा रहा है, दूसरे ड्राइवर नहीं दिखा रहा है। ये देखो, ठीक है, ये USB का है। तो विंडोज़ के 10 के अंदर एक उलझाने वाला काम ये होता है कि यहाँ पर ये साउंड का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल दिखाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हाई डेफिनेशन ऑडियो के नाम से दिखाता है, लेकिन साउंड नहीं आते। ये मैं डिवाइस मैनेजर में गया, तो ये आपके सामने दो साउंड के ऑप्शन दिखा रहा होगा, एक USB PNP ड्राइव जिसके जरिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये दूसरा हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस। तो ये विंडो वैसे ही शो कर देती है, जब हम साउंड की डिवाइस लगाते हैं, कोई पिन लगाते हैं, तो साउंड नहीं आते। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पुराने तरीके से ही साउंड के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। वो कैसे, सेटअप जो साउंड का है वो है, उसको लो और उसके अंदर सीधा सेटअप आप चला सकते हो। यस करो, तो ये सीधा सेटअप है, आप इसको सीधा ही चला सकते हैं, जैसे मैं इसको सीधा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, वही एरर जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो कहेगा कि ये सेटअप जो है, जो ये पैकेज है, वो इस विंडो को सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये देखो लिखा है ना, ओनली विंडोज 2000 XP 2003 और विस्टा, इसके लिए सपोर्टेड है। तो आपको इसी के अंदर से ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करने हैं, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो मैं अब भी ये आपको बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके इसके मैनेज के ऑप्शन में जाना है। बहुत आसान सिस्टम है ये, कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखो, डिस्प्ले के ड्राइवर मैंने पिछली बार में डाल दिए थे, और अब मैं साउंड के ड्राइवर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, हमको ये हाई डेफिनेशन ऑडियो के ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करना है। हाई डेफिनेशन ऑडियो को याद रखना, क्योंकि नीचे वाली तो ड्राइवर वाली है, इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ब्राउज में जाना है, और ब्राउज में जाके हमको पहले वाला तरीका यूज़ करना है, साउंड का फोल्डर सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करना है। ये तरीका आसान है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं आती इस तरीके से। तो ये देखो, इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये ड्राइवर पहले से इंस्टॉल्ड हैं, जबकि ये नहीं है। तो इसके तरीके से साउंड नहीं आए, तो हमको क्या करना है, दूसरे वाला तरीका यूज़ करना है। आपको क्या करना है, ब्राउज में जाना है, लेट मी पिक ए लिस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करके आपको करना हैव ए डिस्क, और ब्राउज में जाके जहाँ पर आपके साउंड के ड्राइवर के फोल्डर है वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर WDM का फोल्डर है जो, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये नीरी सारी फाइलें नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी, तो आपको इसमें से
ये वाली एच डी ए 861 ये वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना है और ओके करना है। ये फाइल अब ढूंढेंगे इसके अंदर, तो ये आपके सामने आ गया रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, इसको सेलेक्ट करके और ये आपको नेक्स्ट करना है। ये मांगेगा कि ये इसका ड्राइवर नहीं है, आपको इसको इग्नोर करके यस कर देना है और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि ये ड्राइवर डिटेक्शन में थोड़ा सा कुछ एक दो या तीन मिनट ले सकती है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये हमारे सामने इन्होंने मांग लिया इंस्टॉल दिस ड्राइवर ऑटोमेटिकली, तो मतलब ये ड्राइवर इसी के हैं, इंस्टॉल इस पे क्लिक कर देना है हमको और ये अब इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो गई। तो ये देखो दोस्तों, विंडो हैज सक्सेसफुली अपडेट योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर और ये रियलटेक का जो ड्राइवर है जो इंस्टॉल हो गया। हम इसको क्लोज करते हैं, तो ये देखो वो हाई डेफिनेशन की जगह रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो। और हम अब कंट्रोल पैनल में जाके चेक करते हैं कि ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हुए या नहीं। तो कंट्रोल पैनल में जब हम जाएंगे, ये हम कंट्रोल पैनल में गए और हम ये साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये हमारा यूएसबी वाला ड्राइवर है जिसके जरिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये है रियलटेक का हाई डेफिनेशन ऑडियो जो हमने विंडो 10 के अंदर विंडो विस्टा के छोटे से पैक जो हमारे सीडियों में आते हैं उनके जरिए मैंने विंडो 10 के अंदर साउंड के ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए। मुझे कोई इंटरनेट चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और कोई ड्राइवर सॉल्यूशन पैक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ऐसे ही छोटे छोटे टूल्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा ताकि आपका समय भी बचे और इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको इंस्टॉलेशन में कंप्यूटर से संबंधित इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर ही वीडियो आपको बना के अगली वीडियो में पेश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे इस चैनल को